Hello students, welcome to the e-learning classes of MMEN. Today in class 7 we are going to study our next chapter, chapter number 12, that is plants around us in social studies. Hum social studies mein aaj chapter 12 plants around us, hamare aas paas ke paudhon ke bare mein janenge, theek hai, unke bare mein deeply janenge. Dear students, in this chapter we will also study on these topics. पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम पौधों के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से होते हैं. रूट होता है जिसको जड़ कहते हैं, उसके बाद स्टेम तना होता है, फिर ब्रांचेस लीव्स फ्लावर फ्रूट्स, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है. सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे, किसको ट्री कहते हैं, किसको शर्ब्स कहते हैं, किसको हर्ब्स कहते हैं और कौन से वाटर प्लांट्स हैं, ठीक. उसके बाद हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, प्लांट से हमको फूड मिलता है, प्लांट से हमसे फ्रूट वेजिटेबल्स मिलते हैं, प्लांट से हमको वुड लकड़ी मिलते हैं, प्लांट से हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है. बहुत सारे यूजेज हैं प्लांट्स के, उनके बारे में डीपली हम इस चैप्टर में जानेंगे. आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी मदद साथी रहेगी, आप लोग इस चैप्टर को इंजॉय करते हुए पढ़िएगा और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा. आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देयर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे कई सारे पौधे हैं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट यूजुअली ग्रो इन द सॉइल, पौधे जीवित चीज़ें हैं जो आमतौर पर कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर बढ़ते हैं, मिट्टी में बढ़ते हैं, ठीक. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट स्मॉल, कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. दे आल्सो नीड एयर, उन्हें भी जैसे हमको सांस लेने की ज़रूरत होती है वैसे उनको भी एयर की ज़रूरत होती है. वो जैसे हमें प्यास बुझाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, हमें हेल्दी रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, वैसे ही उन्हें भी दे आल्सो नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, उन्हें भी धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है उगने के लिए, ठीक. प्लांट्स मेक दियर ओन फूड, पौधे ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं. दे मेक फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, वे दिन के समय में ही भोजन बनाते हैं. अब आइए हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जाने. ए प्लांट्स हैज मैनी पार्ट्स सच एज रूट स्टेम लीव्स ब्रांचेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, एक पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं. जैसे नीचे से देखिए, रूट्स जड़, स्टेम तना, लीव्स पत्तियाँ, ब्रांचेस शाखा, फ्लावर फूल एंड फ्रूट्स, उसके बाद फ्रूट्स, ठीक है. सबसे पहले रूट्स आते हैं, फिर स्टेम, फिर लीव्स, फिर ब्रांचेज, उसके बाद फ्लावर आते हैं, फ्लावर के बाद उसी फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं, ठीक. द रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड द स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड, जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होती हैं, वो हमेशा ज़मीन के नीचे होती हैं, ज़मीन के अंदर जाती हैं, ठीक, ज़मीन के नीचे बढ़ती हैं. और जो हमारा स्टेम होता है, तना, ये हमेशा ज़मीन के ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक. द स्टेम हैज़ लीव्स ब्रांचेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, स्टेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेम के पास लीव्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं जिनको डालिया कहते हो आप लोग, फ्लावर्स फूल होते हैं और फ्रूट्स फल होते हैं, ठीक. आइए अब हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधे भाई बहुत तरीके के होते हैं, है कि नहीं, अब उन पौधे के टाइप्स के बारे में जानते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स सच एज, जो है हमारे आसपास जो है बहुत तरीके के विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जैसे ट्रीज जिनको वृक्ष कहते हैं. ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट, पौधे जो पौधे पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, पेड़, वो बहुत बड़े होते हैं. दे हैव ए स्ट्रांग एंड वुडी स्टेम, और उनकी जो स्टेम होती है, उनका जो तना होता है वो बहुत ही मजबूत और लकड़ी का होता है, बहुत उसमें मजबूत वुडी स्टेम होता है, ठीक. सम ट्रीज लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कुछ पौधे जो होते हैं वो हजारों साल सैकड़ों साल तक रहते हैं, जीवित रहते हैं. मैनी एनिमल्स फाइंड दियर शेल्टर अंडर द ट्रीज, और उसी ट्रीज के नीचे जो है
बहुत सारे जानवर अपना घर बना के रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। बनियान, मैंगो, नीम आर द एग्जांपल ऑफ ट्रीज। ट्रीज़ के एग्जांपल क्या है? बनियान, बरगद हो गए, मैंगो आम हो गए, नीम, ये सब ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े होते हैं, पीपल हो गया। ठीक है, ये सब बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ठीक, यूकेलिप्टस इज ए वेरी बिग ट्री। यूकेलिप्टस, जो सफ़ेदा का पेड़ देखे हो ना बेटा आप लोग, खेतों के किनारे लगा देते हैं लोग, सड़कों के किनारे लगा देते हैं, पतला सा मोटा सा बहुत लंबा ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है, उसको यूकेलिप्टस कहते हैं। ठीक है, सफ़ेदा का पेड़। ठीक, अब आते हैं हम सर्ब्स के बारे में जानते हैं। सर्ब्स मीन्स क्या होते हैं? झाड़ियाँ, जो झाड़ियों वाले जिनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, उन पौधों के बारे में जानते हैं। सर्ब्स आर स्मॉलर एंड वीकर देन ट्रीज। जो सर्ब्स होते हैं, झाड़ियों वाले पौधे होते हैं, वो ट्रीज से छोटे होते हैं और उनसे कमज़ोर होते हैं। दे आर वुडी प्लांट्स विदाउट ए ट्रंक। उनके पास जो है ट्रंक, उनके पास मोटे मोटे तने नहीं होते, लेकिन उनके अंदर लकड़ी पाई जाती है बहुत थोड़ी मात्रा में। ठीक है, दे हैव मैनी ब्रांचेज एंड ग्रोस नियर टू द ग्राउंड। और उनके जो है शाखाएँ होती हैं, उनकी बहुत सारी शाखाएँ होती हैं जो ज़मीन के पास से ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, मलबेरी, रोज, कॉटन आर द एग्जांपल ऑफ सर्ब्स। सहतूत, गुलाब, कपास, ये सब झाड़ियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आते हैं हर्ब्स के बारे में जानते हैं। हर्ब्स उनको, जैसे जड़ी बूटी जानते हो बेटा, जड़ी बूटी हर्ब्स उनको कहते हैं, जड़ी बूटी, जैसे हमारी तुलसी हो गई, पुदीना हो गया। ठीक है, ये सब हो गई, इनके बारे में जानते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। जो जड़ी बूटी के पौधे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे डू नॉट हैव वुडी स्टेम। उनके पास जो है लकड़ी वाले तने नहीं होते। ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ही पत्तियाँ पाई जाती हैं। दियर लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स आर यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड इन मेडिसिन। और इनके जो हर्ब्स के जो पत्ते होते हैं, फूल और बीज होते हैं, इनका उपयोग भोजन में स्वाद के लिए और दवाओं बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी धनिया हो गई, ठीक है, लहसुन, प्याज हो गए, ये सब हर्ब्स हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द हर्ब्स लिव ओनली फॉर वन आर टू सीजन्स। अधिकांश मात्रा में जो जड़ी बूटियों के ये पौधे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये या तो एक मौसम या तो दो मौसम तक ही रहते हैं, उसके बाद इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है, फिर से इनकी बुआई की जाती है। ठीक, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स किसको कहते हैं? जो पेड़ों पे, जो घर की दीवारों, बाउंड्रीज पे, इन सब जगहों पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, उनको क्लाइंबर्स ट्री कहते हैं। जैसे आपके कद्दू हो गए, ठीक है, लौकी हो गए, करेला हो गए, कुंदरू हो गए, ये सब जिनमें लताएं होती हैं, बेल होती हैं, अंगूर हो गया, ये सब क्लाइंबर होते हैं। ठीक है, क्लाइंबर और क्रीपर में आते हैं। तो आइए क्लाइंबर के बारे में जानते हैं हम। सम प्लांट्स क्लाइंब अलॉन्ग ए सपोर्ट। कुछ जो है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको खड़े होने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे नीड ए सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। वो सीधा उनको खड़े होने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उन्हीं को ही क्लाइंबर्स ट्रीज कहते हैं। ठीक है, क्लाइंबर प्लांट्स कहते हैं। मनी प्लांट, कुकुम्बर, ग्रेप वाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। जो मनी प्लांट होता है, एक सजावटी पौधा है। ठीक है, कुकुम्बर, खीरा ककड़ी, ठीक, ये ग्रेप वाइन, जो हमारे अंगूर के पौधे हैं, ये सब क्लाइंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब आते हैं हम क्रीपर के बारे में जानते हैं। क्रीपर प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। क्रीपर प्लांट जो रेंगते हुए नीचे ज़मीन पे बढ़ते हैं, उनके बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम उनके स्टेम होते हैं। जैसे लौकी, कद्दू हो गए ना, ये ज़मीन पे इनकी बुआई हो जाती है और ज़मीन पे ही ये फैल जाते हैं। दे क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड, ये ज़मीन पे रेंगते हुए बढ़ते हैं। वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। जो वाटरमेलन हो गए, वाटरमेलन और पम्पकिन, तरबूज और खरबूजा, ये सब जो एग्जाम्पल हो गए, ये सब क्या हैं? क्रीपर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब बच्चों अपने ब्रेन को बूस्ट करिए। जिंजर एंड पोटैटो आर ए स्पेशल स्टेम बिकॉज द ग्राउंड ग्रो
अंडरग्राउंड। जिंजर और पोटैटो एक ऐसे स्टेम हैं, एक स्पेशल जो है स्टेम हैं, ठीक है। ये दो स्टेम क्या होते हैं, ये ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं, बाकी तो जितने भी स्टेम्स होते हैं वो ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। वाटर प्लांट्स, पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर एंड दियर स्टेम स्टे अंडर वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में उगते हैं, ठीक है, और उनके तने नीचे पानी में, गहरी पानी में जो है रहते हैं। इन्हीं पानी में रहने वाले पौधों को ही वाटर प्लांट कहते हैं। लोटस वाटर लिली, डकवीड आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्लांट्स। कमल और जो लिली कुमुदनी होती है, डकवीड, ये सब पौधे जो होते हैं ये क्या हैं, ये वाटर प्लांट्स हैं, ठीक है, पानी के पौधे हैं, ठीक। सम वाटर प्लांट्स है बिग फ्लोटिंग लीव्स, और कुछ पौधों के जो है बहुत ही तैरते हुए पत्ते होते हैं। जैसे आप कमल देखे हो, कमल के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो तैरते रहते हैं, उसी से वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक, क्योंकि पत्तियों से ही तो भोजन बनता है। अब आइए यूजेज ऑफ प्लांट्स, हमारे लाइफ में प्लांट्स के क्या उपयोग हैं इनके बारे में जानते हैं। भाई बिना प्लांट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो अपना भोजन खुद बनाती है, और हम लोग भोजन कहाँ से लेते हैं, हम लोग प्लांट से भोजन लेते हैं या एनिमल्स से, और सबसे ज़्यादा भोजन हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं, ठीक। आइए प्लांट्स के यूजेज के बारे में जानते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, हम इन पौधों से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। वी डिपेंड ऑन देम फॉर मैनी थिंग्स, हमें पौधों से जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, इसलिए हम पौधे पर निर्भर हैं कई सारी चीज़ों के लिए। वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें पौधों से फल और सब्जियां मिलती हैं। मैंगो, एप्पल, बनाना एक्सेट्रा आर फ्रूट एंड ब्रिंजल, पोटैटो, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा आर वेजिटेबल्स। जो आम, सेब, केला, ये सब हैं, ये सब फल हैं, फ्रूट्स हैं, और ब्रिंजल, बैगन, पोटैटो, आलू, ठीक है, और कॉलीफ्लावर जो हमारी गोभी है, ये सब क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियों के एग्जाम्पल हैं, ठीक। वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स, और हम प्लांट से एक तो सब्जियां पाते हैं और एक फल पाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स पाते हैं, और क्या पाते हैं हम, वुड, लकड़ी भी पाते हैं, लकड़ी से ही तो हम भोजन पकाते हैं, है कि नहीं। वुड इज़ यूज इन मेकिंग डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर्स एक्सेट्रा, हम लकड़ी से क्या करते हैं, हम दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, फर्नीचर, अपने आपके स्कूल में देखते हो डेस्क बेंच है, ये सब भी लकड़ियों से बनते हैं। आपके घर में तख्त होगा, वो सब भी बेड होता है, खिड़कियाँ होती हैं, ये सब भी फर्नीचर जो होते हैं ये सब भी वुड से बनते हैं, ठीक। और क्या यूज है प्लांट्स का, वी मेक मेडिसिन फ्रॉम सम प्लांट्स लाइक जिंजर, आंवला, तुलसी एक्सेट्रा, और हम प्लांट्स से बच्चों मेडिसिन, दवाइयाँ भी बनाते हैं, जैसे जिंजर, अदरक से, आंवला से और तुलसी से, है कि नहीं। और क्या यूज है हमारे प्लांट्स का, वी गेट फाइबर फ्रॉम सम प्लांट्स, हम पौधों से फाइबर भी, कपास भी प्राप्त करते हैं। इससे क्या, फाइबर से क्या होता है, फाइबर से कपड़े बनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द पॉट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, हम जो है कपास पाते हैं रुई के पौधों से, ठीक है। कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ्स, और जो हम वो कॉटन पाते हैं, कपास पाते हैं, उससे हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा आर यूज टू मेक परफ्यूम, और बच्चों प्लांट्स का और क्या यूज है, जैसे रोज हो गए, जैस्मिन हो गए, इन सब का उपयोग हम कहाँ करते हैं, परफ्यूम बनाने में, इत्र, जो सेंट होता है, ठीक है। आप कहीं जाते हो किसी फंक्शन में तो आप देखते हो कि मम्मी पापा या आप भैया भाभी क्या करते हो, परफ्यूम अपने बॉडी पे स्प्रे करते हो, है कि नहीं। तो वो क्या है, परफ्यूम है, वो कहाँ से बनता है, ये हमारे जो सुगंध वाले पौधे हैं, फूल हैं, उनसे ये बनते हैं, ठीक। तो बच्चों हमने क्या देखा कि पौधों का यूज कैसे करते हैं, हम फ्रूट्स पाने के लिए पौधों का यूज करते हैं, वेजिटेबल्स के लिए, वुड्स पाने के लिए, मेडिसिंस बनाने के लिए, और फाइबर कपड़े बनाने के लिए हमको प्लांट्स के यूज होते हैं, ठीक।
और परफ्यूम बनाने के लिए। अब बच्चों जब इतने अधिक मात्रा में प्लांट्स के यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारे लाइफ में प्लांट्स के, तो हमें प्लांट्स की केयर भी करनी चाहिए और प्लांटेशन भी, पौधा भी पैदा करना चाहिए, उगाना चाहिए, है कि नहीं। तो आइए प्लांट्स की हम केयर कैसे करें, हम कैसे अपने लाइफ में पौधों की देखभाल करें, उसके बारे में जानते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमें जो है अपने आसपास के पौधों की देखभाल ज़रूर करनी चाहिए। फॉर दिस वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स। इस पौधों की देखभाल करने के लिए, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स, कुछ चरण का पालन करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, वाटर द प्लांट्स रेगुलरली। हमें पौधों को हमेशा लगभग डेली थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ट्रिम देम व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अगर उन्हें काटने की ज़रूरत हो तो उनके ब्रांचेज को ट्रिम कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कट कर देना चाहिए। जैसे हम लोग अपने बालों को कटवाते हैं, वैसे ही पौधे की डालियों को थोड़ा थोड़ा कट किया जाता है, जिससे वो और अधिक ग्रोथ करें, ठीक। और क्या करना चाहिए, ऐड मैन्योर टू द सॉइल रेगुलरली। और हमें मिट्टी में, सॉइल में रेगुलरली क्या, खाद जानते हो, गाय के गोबर से, काऊ डंग गाय के गोबर से, बफेलो डंग भैंस के गोबर से खाद बनते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी में मिलाते रहना चाहिए। दिस हेल्प द प्लांट्स टू स्टे हेल्दी। अगर हम पौधे में खाद मिलाते रहेंगे, मैन्योर मिलाते रहेंगे, तो उससे हमारे पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, उससे पौधों को हेल्दी रहने में मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आप लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट्स। रूट्स कहाँ पे होते हैं, अंडरग्राउंड, धरती के, मिट्टी के नीचे रूट्स होते हैं। बाकी सारी चीज़ें प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो कहाँ पे होते हैं, धरती के, मिट्टी के ऊपर होते हैं, ठीक। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी इसमें सीखा, कितने टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर और वाटर प्लांट्स, ठीक है। ये आपके 6 टाइप्स होते हैं। उसके बाद आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, आपने इस चैप्टर में यूजेज ऑफ प्लांट्स सीखा। हमें प्लांट्स के यूज किस लिए होते हैं भाई, हमें वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, फर्नीचर के लिए, ठीक है, और क्लॉथ्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए और परफ्यूम बनाने के लिए हमें प्लांट्स के उपयोग करने होते हैं। और क्या सीखा इसमें, हमने प्लांट्स के केयर करना सीखा, ठीक बच्चों। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग क्या करिएगा, एक पौधा, कोई भी प्लांट्स हो, उसको आप लोग प्लांटिंग कर देना, उसका पौधे को लगा देना अपने घर के सामने, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।